Hi everyone, welcome you all in Law Vita here. This is Aradhya Gupta. Today in this lecture, we'll be discussing a topic of environment law, that is the noise pollution. So we'll be discussing here what is noise pollution, what are the sources of noise pollution, matlab kya kya karanon se noise pollution cause hota hai. Then we'll see the इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. अब जो नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है उससे ह्यूमन लाइफ पे, बाकी इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करती है. एंड द लास्ट वील बी डिस्कसिंग दी मेजर्स एंड कंट्रोल्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. अलग अलग लेजिस्लेशंस में क्या नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वट हैज़ बीन द रोल ऑफ जुडिशरी, वट हैज़ बीन हेल्ड बाय द कोर्ट इन सेवरल लैंडमार्क केसेस रिगार्डिंग नॉइज़ पोल्यूशन. सो वील डिस्कस ऑल ऑफ दैट टुडे इन दिस लेक्चर. शुरुआत करते हैं पहले नॉइज़ क्या होता है. तो देखिए, जो वर्ड है ना नॉइज़, ये एक लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, दैट इज़ नॉसिया. और नॉसिया का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ सिकनेस इन विच वन फील्स द नीड टू वॉमिट. मतलब यू नो, चक्कर जैसा फील होना, मन घबराना, है ना, इस तरीके की जो सिकनेस होती है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉसिया. आपने देखा भी होगा जब यू नो एक लिमिट से ज़्यादा नॉइस कॉज होता है, या ये मान लो एक लिमिट से ज़्यादा म्यूज़िक की वॉइस हो जाती है, तो बड़ा अजीब सी सेंसेशन होती है बॉडी में, चक्कर से आने लगते हैं, हेडेक होता है, इरिटेशन होती है. तो वही लिटरल मीनिंग से कनेक्ट करता है नॉइस पोल्यूशन. द नॉइस इज़ द अनप्लीजेंट एंड द अनडिज़ायरेबल साउंड विच लीड्स टू डिसकम्फर्ट इन द ह्यूमन बींग्स. ये अनप्लीजेंट साउंड है, अनडिज़ायरेबल साउंड है, जो लोगों को नहीं पसंद आती है, ठीक है, उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनकी उनकी लाइफ में डिसकम्फर्ट कॉज करती है. तो ऐसी साउंड जो कि अनप्लीजेंट है, जो कि सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, जो कि यू नो साउंड नहीं है, साउंड मतलब कि जो कि लोगों को पसंद आए, स्वीट नहीं है, वो उनके कानों के लिए मतलब दे डजंट वॉन्ट टू लिसन दैट साउंड. सो सच अ नॉइस, सच अ साउंड इज नोन एज नॉइस. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. और बात करें कि साउंड जो है किस यूनिट में मेजर होती है, तो उसकी जो यूनिट है दैट इज डेसिबल्स, ठीक है. और जो फेंटेस्ट साउंड जो एक ह्यूमन ईयर कैन हियर, फेंटेस्ट मतलब जो सबसे मध्य, सबसे धीमी यू नो आवाज़ जो एक ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, दैट इज द 1 decibels, राइट. So noise is a physical form of pollution that is not directly harmful to the life supporting system like air, water or soil, but it affects more directly upon the receiver, that is the man. तो noise pollution जो है ये एक physical form of pollution, जो कि हमारे जितने भी natural resources हैं उनको directly impact नहीं करता है. ये आपके सीधा वाटर पे इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर एयर में कुछ ऐसे कॉज कर रहा है नेगेटिविटी, रादर ये ह्यूमन बींग्स को जो रिसीवर है हमारे इन्वायरमेंट में, द मैन हो गया, एनिमल्स हो गए, उन पे डायरेक्ट अफेक्ट डालता है, राइट. सो इट डजेंट अफेक्ट द सपोर्टिंग सिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, बट इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रिसीवर्स. द नॉइस पोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज अर्बन लाइफ एंड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. तो जिस पे बात करें, जो मेजर कॉजेज़ हैं, एक तो है कि जो आज के डेट में डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यू नो ऑटोमोबाइल्स आर रेजिंग, मशीनरीज, इंडस्ट्रीज, तो वो जो जितनी भी नॉइस कॉज हो रही है, दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द नॉइस पोल्यूशन इन द प्रेजेंट टाइम. प्लस द ओवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो द वंडर और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. Due to increasing noise around the civilizations, noise pollution has become a matter of concern. Or because with the you know advent of industrialization, globalization, civilization, noise pollution itna zyada badh gaya hai na ki ek ye matter of concern hai, that we really need to take some strict measures to control the same. Otherwise wo you know itna negative इम्पैक्ट करेगा दैट वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दैट. सो वो चीज़ें ना आए, वो सिचुएशन ना आए, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द अथॉरिटीज टू टेक ऑल द मेजर्स विच आर नेसेसरी टू बी टेकन एट द राइट मोमेंट. सेक्शन 2A ऑफ द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 इंक्लूड्स द नॉइज इन द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट. और बिकॉज नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड भी है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड भी है, पर नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, पर एयर पोल्यूशन एक्ट के सेक्शन 2A में जो एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है, उसमें उस लेजिस्लेशन में नॉइस को भी इंक्लूड किया गया है. What does section 2A says? So it says air pollution means any solid, liquid or gaseous substance
इंक्लूडिंग द नॉइज़। तो इन्होंने एयर पोल्यूटेंट्स में सॉलिड लिक्विड और गैस के साथ साथ नॉइज को भी इंक्लूड किया है, विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन सच अ कॉन्सेंट्रेशन एज इंजरियस टू द ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट्स और प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द नॉइज, इंक्लूडिंग द अनप्लीजेंट साउंड जो कि एटमोसफेयर में इतनी कॉन्सेंट्रेशन में होती है, जो कि इंजरियस होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज के लिए, अदर क्रिएचर्स के लिए, राइट। A decibel is a standard for the measurement of noise. हमने पढ़ लिया। Zero on a decibel scale is a threshold of hearing the lowest sound. तो zero lowest sound होता है that a human being can hear. 20 decibels जो होती है वो एक whisper की limit होती है, खुसर खुसर होती है, that is 20 decibels. 40 decibels a noise in a quiet office. 60 decibels is a normal conversation. 80 decibel is a level at which sound becomes physically पेनफुल। तो ये माना जाता है कि वेन द लिमिट क्रॉसेज 70 decibels तो फिर वो नॉइज़ पोल्यूशन में कन्वर्ट होता है एंड इट बिकम्स इंजरियस टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, क्रिएचर एंड द एनवायरमेंट, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया, नॉइज़ क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन एक्ट में नॉइज़ का क्या रोल है, ठीक है, नॉइज़ कैसे एयर पोल्यूटेंट है एंड हाउ इट इज़ इंजरियस। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सोर्सेज कवर किए हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन कॉज होता है, जल्दी जल्दी सबको देख लेते हैं। द मेजर कॉजेज और द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, आप ये कॉजेज भी कह सकते हो, कारण और सोर्स भी कह सकते हो। पहला इंडस्ट्रियल सोर्स, और आज की डेट में सबसे मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी, द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन क्रिएटिंग द नॉइज पोल्यूशन दैट वी डिस्कस। टेक्सटाइल मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस, इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, मेटल वर्क्स, दे हैविली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नॉइज पोल्यूशन। मतलब ओवरऑल जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उसमें जितने भी मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर हाईली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नॉइज पोल्यूशन। In industrial cities like Kolkata, Ludhiana, Kanpur, etc., often the industrial zones are not separated from the residential zones, especially in the case of small-scale industries. These operate from the workshops located in the ground floors of residential areas and cause the annoyance, discomfort and irritation to the residents who are exposed to the noise. तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जितने भी यू नो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, उनमें क्या होते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स और रेजिडेंशियल एरिया वेयर द इनहेबिटेंट्स रिसाइड, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं किया गया होता है, वरना कायदा ये होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया से अलग हो ताकि लोगों को अपनी आम जिंदगी जीने में दिक्कत ना हो। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रेजिडेंट एरिया में ही हैं और उन लोगों के जो भी यू नो वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर्स पे होते हैं, जिससे जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं, जितने भी आसपास के घर मकान होते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है, उनकी डे टू डे लाइफ में इतना डिस्कम्फर्ट कॉज हो जाता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर नॉइज पोल्यूशन। द सिचुएशन ऑल्दो इज मच बेटर इन अ मॉडर्न प्लान्ड सिटीज लाइक चंडीगढ़ वेर द इंडस्ट्रियल एरिया इज कैप्ट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज एंड बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फिर भी यहाँ मतलब एक कंट्रास्ट में बताया, जैसे कि चंडीगढ़ को माना जाता है इट इज़ अ वेरी यू नो मॉडर्नाइज प्लान्ड सिटी, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज सेपरेट रखे जाते हैं फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया एंड देयरफॉर इट समहाउ इन वन ऑफ द अदर वे रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द यू नो evolution of the noise pollution. So that is very important ki haan industrialization ho raha hai, that is very important for the development of country, but wahan pe measures liye ja sakte hain. Ek ye bhi measure hai ki aap residential area aur industrial area ko alag alag rakhe, plus jitne bhi industries hai wo sare measures le, wo sare equipments lagaye jisse jo bhi noise pollution hai wo control ho sake. Dusra source hai transport vehicles. So automobile revolution in the urban centers has proved to be a big source of noise pollution, especially in the urban areas, क्योंकि automobiles you know increment हो गया, revolution हो गया है, इतने सारे vehicles हैं, इतना traffic होता है, इतने horns बजाए जाते हैं impatient लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से noise pollution peak पे पहुँच जाता है। The increasing traffic has given the rise to the traffic jams in congested areas, repeating hootings of horns by the impatient workers, they pierce the ears of all the road users. इसके अलावा एयरप्लेन से भी बहुत ज़्यादा ह्यूज यू नो हैवी साउंड रिलीज होते हैं, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है, स्पेशली इन बिग सिटीज़ वेयर द बिग एयरपोर्ट्स आर देयर, राइट। हैवी ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ओवरऑल ऑल द व्हीकल्स कॉज द एंडलेस नॉइज पोल्यूशन, राइट। तो ये का दूसरा कॉज हो गया। थर्ड है हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड इन द सेंस जो भी
घरों में जितनी भी इंडोर नॉइसेस क्रिएट होती है, जैसे कि दरवाजे का पटकना, ठीक है, बच्चों का आवाज़ करना, खेलना, इन्फेंट्स का, जितने भी न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी रोने की आवाज़ें, फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ें, राइट, घरों में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसकी आवाज़ें, या लोग बातें करते हैं तेज़ तेज़ उसकी आवाज़ें, इसके अलावा घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, म्यूज़िक प्लेयर्स हो गए, या जितने भी आपके बाकी डोमेस्टिक गैजेट्स होते हैं, अपनी मिक्सर ग्राइंडर हो गया, प्रेशर कुकर, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, तो इन सभी चीज़ों से जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, दे ऑल आर द इंडोर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जिससे बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है, राइट। सो दिस वॉज अ थर्ड सोर्स। फोर्थ सोर्स है हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में आपका मेजरली हो रहा है द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। इन इंडिया पीपल नीड ओनली द स्लाइटेस्ट ऑफ एक्सक्यूज फॉर यूजिंग द लाउड स्पीकर्स। द रीजन मे बी अ रिलीजियस फंक्शन, बर्थ, डेथ, मैरिज, इलेक्शन, डेमॉन्स्ट्रेशन और जस्ट द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। मतलब हमारे इंडिया में लोगों को छोटा छोटा बहाना चाहिए माइक्स का, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करने के लिए, चाहे रीज़न कुछ भी हो, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, कोई मैरिज है, इलेक्शन है, और इवन एनी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। लोग इवन आजकल आप लोगों के जो आउटसाइड वेंडर्स आते हैं गलियों में, तो वो भी कुछ भी बेचने के लिए लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। सो दे इवन डोंट नो दैट हाउ मच देयर सच अ स्मॉल एक्टिविटी इज़ कॉजिंग अ मेजर हार्म एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यू नो द नॉइज पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। So fourth, the public address system, that is the use of loudspeaker, is also one of the major source of noise pollution. Fifth है आपकी agricultural machines. तो अब with the advent of technology and industrialization, although बहुत सारी ease हुई है, development हुआ है, पर you know every good comes with a slighter bad with it, ये अब कहा जाता है, तो अच्छे के साथ बुरा साथ साथ आता है कहीं ना कहीं। तो अब अच्छाई आई है, मशीनरीज आई हैं, पर उससे उसमें जो साउंड रिलीज होती है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है। ट्रैक्टर्स, थ्रैशर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रिलर्स, ट्यूबवेल्स, दे हैव ऑल मेड एग्रीकल्चर हाईली मैकेनिकल बट एट द सेम टाइम हाईली नॉइसी, एंड वी कैन डिनाई दिस। नॉइस लेवल मूव फ्रॉम 90 डेसिबल्स टू 98 डेसिबल्स ड्यू टू द रनिंग ऑफ द फार्म मशीन्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। मतलब इतनी ज़्यादा यू नो हाई इंटेंसिटी में नॉइस क्रिएट होती है ना इन मशीन से, जिससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कॉज होता है। सिक्स सोर्स है हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो जितने भी डिफेंस, नेवी फोर्सेज में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, दैट ऑल्सो एड्स अ मेजर contribution in the cause of noise pollution, like by the equipments of launching of rockets, explosions, tanks, artilleries, shooting practices, screams of jet engines, sonic booms, they all have a very deafening impact. Itni huge noise hoti hai na ki log bahre bhi ho sakte hain, bahut negative impact kar sakte hain. They have extreme cases. इवन ऐसे केसेस भी सुनने में मिले हैं कि जब यू नो जब शूटिंग प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, या सोनिक बूम्स की आवाज़ आती है, या जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो आसपास की बिल्डिंग्स तक ब्रोक हो जाती है, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, या लोगों के घरों के कांच टूट जाते हैं। सो दे हैव अ वेरी हाई इंटेंसिटी नॉइस। नेक्स्ट सेवन्थ इज़ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, स्टेशंस, रोड्स टेक प्लेस इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, and these construction activities have to be continued to meet the demand of ever obviously increasing population, but it also creates a noise pollution. ab dekha kahin na kahin kyunki ek kehte na ki ek center source jo hai wo aapka population hai, rise of population. dekho population badh rahi hai to employment ke sources bhi badhenge, logon ka bahar nikalna bhi badhega, log vehicles bhi purchase karenge, log ghar bhi banayenge, ठीक है, लोग डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स की चीज़ें भी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इज़ अ की सेंटर सोर्स विच इज़ यू नो मेकिंग अ राइज इन दी नॉइस पोल्यूशन और एनी सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, नॉट स्पेसिफिकली नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ हम बात करें कि ये सारी जितनी भी कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। एट्थ है आपका फायरवर्क्स, पटाखे वगैरह जो जलाए जाते हैं, फायरवर्क्स जितना होता है, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ड्यूरिंग वेरियस फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड द कल्चरल सेरेमनीज,
And apart from air pollution, the intensity of their sound creates a huge noise pollution. Air pollution के साथ साथ noise pollution कितना होता है वो हम सब जानते हैं. Especially दिवाली पे, न्यू ईयर पे कितने सारा पटाखे फोड़े जाते हैं. ऑल दो गवर्नमेंट पुट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड बैन्स, बट फिर भी लोग नहीं मानते हैं और हम सब जानते हैं जो होता है, राइट. एंड द लास्ट सोर्स इज द मिसलिनियस सोर्स, सो लाइक द ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप्स, मार्केट प्लेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दे ऑल आर द अदर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में, स्कूल्स में, मार्केट प्लेसेस पे, इन सब पे जितना भी नॉइज़ क्रिएट होता है, दे ऑल ऑल्सो मिसलिनियसली एंड टुगेदरली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नॉइज पोल्यूशन. तो यहाँ हमने बहुत सारे सोर्सेज जाने और ये सब हम जानते हैं. दिस इज़ नथिंग न्यू एंड आई डोंट थिंक ये आपको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा. जस्ट लिसनिंग राइट हियर, मेरे साथ साथ आपने सुना होगा एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर, राइट. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इस नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन द ह्यूमन बींग्स आर एज अंडर. तो देखिए दो तरीके से आपके इफेक्ट होता है. एक होता है ऑडिटरी इफेक्ट और एक होता है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट. ऑडिटरी मतलब ऑडिट, सुनने से रिलेटेड जो भी अफेक्ट्स कॉज होते हैं, डीफनेस होता है, फटीग होता है या फिर टेम्प्ररी हियरिंग लॉस होता है, तो वो एक कैटेगरी हो गई ऑडिटरी इफेक्ट्स. हम इसमें सब कैटेगरी पढ़ेंगे. एक हो गया आपका नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स, जो बाकी हेल्थ इशूज़ या बाकी यू नो फाइनेंशियल इशूज़ या जो भी और यू नो अफेक्ट्स लोगों पर होते हैं अदर देन हियरिंग इशूज़. तो यहाँ पे दो कैटेगरी है ऑफ इफेक्ट्स, ऑडिटरी इफेक्ट्स एंड दी नॉन ऑडिटरी इफेक्ट. पहले जानते हैं ऑडिटरी इफेक्ट्स क्या है. सो इट इंक्लूड्स द डीफनेस और द ऑडिटरी फटीक. पहले जानते हैं डीफनेस के बारे में और द इम्पेयर्ड हियरिंग. द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स टू नॉइज लीड टू द ग्रेजुअल डिटोरियरेशन ऑफ इंटरनल हियर एंड सब्सिक्वेंटली हियरिंग लॉस और डीफनेस. तो प्रोलॉन्ग समझ रहे हैं, जब लोग स्पेसिफिकली ये ऑक्यूपेशनल एरियाज में होता है जहाँ पे लोग एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, हाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें से बहुत नॉइस आती है और उनको अपने ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट उनको उस मशीन के आसपास रहना होता है और हैव टू वर्क विद दैट मशीनरीज. तो जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है यू नो जो वो नॉइस को वो काफ़ी घंटों तक सुनते हैं, दैट लीड्स टू अ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ देयर इंटरनल हियर. इससे क्या होता है, धीरे 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 करके उनकी जो सुनने की क्षमता होती है ना वो ख़त्म होती जाती है और एक लेवल आता है कि दे बिकम दी परमानेंटली डीफ. इट मे कवर ड्यू टू द कॉन्टीन्यूअस एक्सपोजर टू द नॉइज लेवल ऑफ मोर देन 90 decibels. और जितनी भी बड़ी मशीनरीज होती हैं वहाँ पे 90 decibels से ऊपर का ही यू नो नॉइज कॉज होता है. इट मे बी टेम्प्ररी और परमानेंट हियरिंग लॉस. टेम्प्ररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. एक्सप्लोजन्स और द अदर हाई इंटेंसिटी साउंड्स कैन ऑल्सो कॉज इमीडिएट डीफनेस बाय रप्चरिंग द एयर ड्रम्स और डैमेजिंग द कॉक्लिया. ये सब आपकी साइंटिफिक टर्म्स हैं. तो कि जो भी इंटरनल यू नो ईयर ऑर्गन्स होते हैं, ईयर ड्रम्स, कॉक्लिया वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा यू नो फंक्शनल डिसबैलेंस हो जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा हियरिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट. मेनी टाइम हियरिंग लॉस इज अट्रीब्यूटेड टू दी ऑक्यूपेशन, मैंने बताया आपको. और दूसरा इसमें टाइप है ऑडिटरी फटीग. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ टेम्प्ररी लॉस ऑफ हियरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू साउंड. द कंटिन्यूस हमिंग साउंड सच इज विस्लिंग एंड बजिंग इन द ईयर्स. तो क्या होता है, कई बार परमानेंट नहीं होती ऑल दो, लेकिन कोई एक्सप्लोजन हो गया, कोई बम फट गया या कोई मशीनरी गिर गई, ऐसा कुछ भी अगर हुआ, कोई सडन एक्सपोजर हुआ साउंड का, उससे लोगों की टेम्प्ररी लॉस ऑफ हियरिंग हो जाता है और बहुत समय तक लोगों को सिर्फ कान में ऐसे होता है कि सीटी सुनाई दे रही है, विस्लिंग नॉइज़ हो रही है या हम हम की आवाज़ आ रही है. कई बार आप लोगों ने सुना होगा. तो दैट इज़ वॉट नोन एज द ऑडिटरी फटीक. तो ये बहुत ही ज़्यादा यू नो मेजर कॉज है, इफेक्ट है, दैट हार्म्स और डिटोरिएट द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सो पहला हो गया इफेक्ट आपका ऑडिटरी इफेक्ट. अब दूसरा है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट, मतलब उसके अलावा बाकी जो भी आपके अफेक्ट्स होते हैं. सो दीज आर, पहला है इरीटेशन एंड अनोयंस, मतलब कि लोग यू नो इमोशनल डिस्टर्बेंसेज कॉज होते हैं. लोग इतने नॉइस की वजह से अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हैं और मतलब ना उनकी नींद पूरी हो पाती है, रेस्टलेसनेस आ जाती है ह्यूमन बॉडी में. सो इरीटेशन अनाउंस इज़ वन ऑफ द मेजर अफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन. इसके अलावा वर्क एफिशिएंसी. अब वही है कि जब आदमी इरीटेट रह रहा है यू नो नॉइस अपने पूरे अपने दिन भर की कार्यकाल में और नींद पूरी नहीं हो रही है, थकान है, तो उसकी कहीं ना कहीं जो वर्क एफिशिएंसी है ना वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू दिस नॉइस पोल्यूशन. इसके अलावा कई सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं. पेलिंग ऑफ स्किन,
डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आँखों पे बहुत असर पड़ता है, यू नो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का, नर्वस सिस्टम, नर्वसनेस होने लग जाती है, एंग्जाइटी होती है, इरिटेशन होती है, और कई बार यू नो अनबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, जो अभी तक वूम में होते हैं मदर की, उनकी डेवलपमेंट में भी नॉइस पोल्यूशन जो है बहुत सारे केसेस में से जाना है कि इट एडवर्सली अफेक्ट अपॉन देयर डेवलपमेंट. सो दिस इज़ हाउ नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकली अपॉन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट से आपके और भी बहुत सारे तरीके के हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं लोगों को, बहुत तरीके के हेडेक्स होते हैं, स्वेटिंग होती है, एंग्जाइटी होती है, ब्रीदिंग में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होने लग जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को. तो इस तरीके से बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है नॉइस पोल्यूशन. ट्रबल इन कम्युनिकेशन, हाई डेसिबल नॉइज कैन पुट ट्रबल एंड मे नॉट अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट फ्रीली. द कॉन्स्टेंट शार्प नॉइज कैन इवन गिव यू सीवियर हेडेक एंड डिस्टर्ब योर इमोशनल बैलेंस. अब वही कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास कोई कुछ दिन से लगातार कुछ कैंपेनिंग कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें वो लाउड स्पीकर्स का यूज़ करता है और उसकी इतनी ज़्यादा यू नो इंटेंसिटी की साउंड होती है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ह्यूज नॉइज, जिसकी वजह से आप घर में भी आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हो, इससे इतने ज़्यादा आपको दिक्कत होती है वाइल कम्युनिकेशन, आपको हेडेक होता है, आप इमोशनली यू नो डिसबैलेंस हो जाते हो अपनी लाइफ में. सो इट ऑल्सो कॉज द ट्रबल इन कम्युनिकेशन. इसके अलावा हाउ डज इट इफेक्ट अपॉन एनिमल्स? सो एनिमल्स रिलाई हेविली ऑन साउंड्स टू कम्युनिकेट, टू फाइंड फूड, अवॉइड प्रेडेटर्स. अब देखो एनिमल्स बात तो कर नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ है ना वो साउंड्स पे डिपेंड करती है कि वो ऐसे ढूंढते हैं कि फूड कहाँ है, या साउंड से वो जानते हैं कि कोई एनिमल उनके पास आ रहा है नहीं आ रहा है. सो पैट्स रिएक्ट मोर अग्रेसिवली ड्यू टू एक्सपोजर. और पता है घरों में अगर आप तेज़ म्यूज़िक ज़्यादा चलाते हो, जितने भी आपके पैट्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, दे बिकम डिसओरिएंटेड एंड मोर इजीली एंड फेस मेनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. ओवर एक्सपोजर टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ नॉइस अफेक्ट्स दी हेयरिंग एबिलिटी. इवन एनिमल्स को भी कई बार ऐसा जाना है दैट दे ऑल्सो सफर फ्रॉम दी यू नो हेयरिंग प्रॉब्लम ड्यू टू दी इंक्रीज ऑफ नॉइस बींग कॉज विद इन देयर एनवायरमेंट. दिस लीड्स टू रिडक्शन इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रेट. और इससे क्या होता है कि उनकी सर्वाइवल रेट कम हो जाती है, बिकॉज वो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो लाइफ सस्टेन नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं. एट एन इकोसिस्टम लेवल नॉइज़ पोल्यूशन कुड लीड टू द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स. और क्या होता है जब एनिमल्स जो हैं वो अपनी लाइफ यू नो नॉर्मली नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज़, तो वो माइग्रेट करते हैं. सो इट ऑल्सो कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स एंड देयर माइग्रेशन कैन अफेक्ट दी क्रॉप प्रोडक्शन. तो कहीं ना कहीं लिंकेज हो के वो पूरी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करता है नॉइज़ पोल्यूशन. इन द लास्ट हाउ डज इट इफेक्ट अपॉन द नॉन लिविंग थिंग्स? द नॉइज बूम्स कैन कॉज क्रैक्स इन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज इन हिल्स. द सोनिक बूम कैन क्रिएट विंडो पेन्स एंड द बिल्डिंग्स. तभी देखा हो कभी कभी क्या होता है कि आपके पड़ोस में घर बन रहा है और उसमें कुछ ऐसी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से आपके घरों की दीवारें हिल जाती हैं या उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, कई बार सुना होगा आपने. तो कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन से, हैवी नॉइज बूम से वॉल्स पे क्रैक आ जाते हैं, पुरानी बिल्डिंग हिल जाती है, कई बार गिर भी जाती हैं, हिल्स पे असर आता है बहुत ज़्यादा, यू नो भूस्खलन की संभावना भी सुनने में आती है, या सोनिक बूम्स की जितनी साउंड होती है उससे विंडो पेन्स, लोगों के घरों के कांच टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स हिल जाती हैं. तो these all are the non-auditory effects and the auditory effects that does occur due to the noise pollution, right? तो ये हमारा हो गया noise pollution क्या है, sources क्या हैं और effect क्या है noise pollution का. अब last heading देखेंगे the noise pollution control measures, किस किस तरह से noise pollution की जो problem है उससे deal किया जाता है और क्या क्या provisions जो हैं अलग अलग legislations में वो provide किए गए हैं. अब देखो भले ही लग रहा होगा लेक्चर लंबा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा लेक्चर होलसमली इम्पॉर्टेंट है. एक होता है ना वर्ड होलसम, तो पूर्ण रूप से आपके लिए हर एस्पेक्ट से अगर आप नॉइज़ पोल्यूशन की जानकारी लेना चाह रहे हैं या आप अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इससे बाहर फिर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ो और इसी आधे घंटे में आपका ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, है ना. ऐसे इस पॉजिटिव एटीट्यूड से लेक्चर सुनो, ये टॉपिक देख लेते हैं फिर लेक्चर समाप्त करेंगे. इन इंडियन पर्सपेक्टिव देर इज़ नो लॉ टू डील एक्सक्लूसिवली विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन. हाउएवर देर आर प्रोविजंस इन द वेरियस लेजिस्लेशंस टू अबेट एंड कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन. देखो इंडिया में बात करें तो एज सच
स्पेसिफिकली कोई लॉ नहीं है जो कि नॉइस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से डील कर रहा है एक्सक्लूसिवली, पर अलग अलग लेजिस्लेशंस के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि बताते हैं, डील करते हैं रिगार्डिंग दी अबेटमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली तो नॉइस से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें एनुमरेटेड है इन द हिडन मैनर द प्रोविजन टू डील विद नॉइस। लेट्स रीड देम। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्राइज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट वी ऑल नो। आर्टिकल 21 बात करता है रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। द इंडियन जुडिशरी हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड द राइट टू डिसेंट एंड द होलसम एनवायरमेंट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 एंड द राइट टू होलसम एनवायरमेंट इंक्लूजन एट द राइट टू नॉइस फ्री एनवायरमेंट। अब देखो डायरेक्टली तो नहीं है, पर जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है और हमारे इंडियन जुडिशरी ने बहुत सारे लैंडमार्क केसेस में इस आर्टिकल के एम्बिट को एक्सपेंड किया। मैं बोला कि राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू होलसम इन्वायरमेंट भी आता है। होलसम मतलब हैविंग द इन्वायरमेंट विद इट्स फुलेस्ट क्वालिटी। तो हम होलसम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सो इन दैट कंटेक्स्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हैविंग अ नॉइस फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, डिसेंट एनवायरनमेंट में आपका नॉइज फ्री एनवायरनमेंट भी आता है और इन दिस वे प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सेसिव नॉइज कम्स विद इन देयर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 39E डीपीएसपी विच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वुमेन टेंडर एज चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज एंड दैट सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी to enter any place which is unsuited to their age or strength। तो अब ये directive principle है जो कि states को direct करता है कि जितने भी workers हैं, men हो, women हो, tender age कम age के बच्चे हों, उन सब की health को जो है ensure किया जाए। तो उसमें किसी भी citizen को force नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरीके की ऐसी economic activity में या employment में enter करें जिससे उनकी age और उनकी health पे असर आए। तो कहीं ना कहीं अब मोस्टली जितने भी आजकल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है उसमें इस तरीके की इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है विच कॉज अ हैवी और हाई नॉइस। तो अगर वो पर्सन लग रहा है कि इट मे अफेक्ट माई हेल्थ, तो कोई भी nobody कैन फोर्स दैट सिटीजन टू बी इनरोल्ड टू एंटर इन टू एनी सच प्लेस। सो इन दिस मैनर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, राइट। एंड और लास्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज द ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। द सिटीजन्स आर ऑल्सो बाउंड टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड मेक इट नॉइस फ्री। अब देखो आर्टिकल 48A में फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज की गई है हर सिटीजन के ऊपर ऑफ इंडिया कि वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे और प्रोटेक्ट करे। इन्वायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें। तो अब इम्प्रूव करें, प्रोटेक्ट करें, तो उसमें यह भी आ जाता है कि सिटीजन्स ड्यूटी बाउंड हैं कि कोशिश करें कि वो इन्वायरमेंट को नॉइस फ्री करें और ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे नॉइस कॉज हो। तो दिस इज़ हाउ इन होलसम मैनर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी मेजर्स और कंट्रोल ऑफ द नॉइस पोल्यूशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। The mandate of constitution is clear that the state as well as the individual make all the efforts to make the environment free of noise pollution, right? So ये हो गया हमारा पहला concept regarding the constitution of India। Next बात करते हैं criminal law की। So the provisions in section 269 to 294 of IPC deals with the various form of nuisance। तो वैसे तो 269 से लेके 294 जो sections हैं IPC के वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूसेंस को डील करते बताते हैं कि बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूसेंस और उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। बट न्यूसेंस हियर कॉज बाय नॉइस इज नॉट स्पेसिफिकली डील्ड इन द पिनल कोड, पर स्पेसिफिकली बात करें कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि ऐसे न्यूसेंस की बात करता है जो कि ड्यू टू नॉइस कॉज होता है, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है पिनल कोड में। हाउएवर सेक्शन 290 क्या बात करता है,
Section 290 of the code deals with the punishment for those cases of nuisance which have not been covered specifically under the provision. Section 290 जो एक general provision बात करता है, इसमें कोई भी ये बोला है कि जो भी तरह का nuisance जो कि किसी भी ऊपर के किसी भी section में नहीं deal किया गया है, वो सब section 290 में cover होगा और punishable होगा. तो इस तरीके से by you know घुमा फिरा के noise the you know nuisance which is caused by noise is also being covered within the code. It lays down that whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code shall be punished with the fine which may extend up to 200 rupees. So nuisance caused by pollution therefore is covered by noise pollution in section 290 of the IPC. So is tarah se noise pollution bhi you know IPC mein cover ho jata hai section 290 ke andar. और जो भी पर्सन वो कॉज करता है और उसकी अगर कोई यू नो कंप्लेन करता है तो ही बी पनिश्ड विद द फाइन ऑफ 200 रुपीस. ठीक है. फर्दर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस इंक्लूडिंग द न्यूसेंस कॉज बाय द नॉइस पोल्यूशन. 133 में सीआरपीसी एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि जो भी तरीके का न्यूसेंस अगर कॉज हो रहा है तो उसको रिमूव करे और उसमें जो भी मेजर्स है वो ले. तो इसमें न्यूसेंस में आपका न्यूसेंस कॉज बाय नॉइस पोल्यूशन भी इंक्लूड हो जाता है. एंड इन एडिशन रेलवेज एक्ट मोटर व्हीकल्स एक्ट अलॉन्ग विद इट्स रूल्स फैक्ट्रीज एक्ट एयरक्राफ्ट एक्ट कंटेन मेनी प्रोविजन विच आर डीलिंग विद द कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन. और ये सारे लेजिस्लेशन भी इन वन ऑफ द अदर प्रोविजन्स डील करते हैं रिगार्डिंग द कॉम्बेट और द कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन. सो दिस इज हाउ वी सी दैट हाउ द मेजर्स हैव बीन गिवन विद इन द प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल लॉज. राइट. थर्ड है हमारा वेरी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ऑफ इन्वायरमेंट लॉ दैट इज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So this legislation was basically passed under Article 253 of Indian Constitution in the wake of the Bhopal gas tragedy. जब Bhopal gas tragedy cause हुई थी, we all know about it. तो जब वो cause हुई तो उसमें जो भी you know to take an action on that behalf, Article 253 के within इस legislation को pass किया गया था. Section 62B of the Act refers to noise pollution which lays down that central government may by notification the official gazette make rules prescribing the maximum allowable limits of concentration of various environment pollutants including the noise for different areas. तो अभी क्या है कि इस एक्ट के सेक्शन 62B में नॉइस पोल्यूशन को रेफर किया गया है. इसमें ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके रूल्स बना सकते हैं कि कोई भी तरीके का इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट किस लिमिट तक अलाउड है. मतलब इसके एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इंश्योर की गई है कि इसके बियॉन्ड जो है किसी भी तरीके का पोल्यूटेंट अगर रिलीज हुआ है कहीं से भी फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. तो इसी में जो ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट ली गई है रिगार्डिंग वेरियस इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट इसी में नॉइस भी इंक्लूड होता है फॉर डिफरेंट एरियाज. राइट. तो अगर नॉइस कोई भी पर्सन कॉज करता है बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट विच हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. एंड दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62B ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इन दिस वे इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन. राइट. नेक्स्ट फोर्थ है आपका नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000. ये क्या है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड ऑन इट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज मेड द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000. अब क्या था कि क्योंकि 1986 के एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था जैसे ऊपर हमने पढ़ा पावर दिया गया था इट मे प्रिस्क्राइब द लिमिट्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी एनवायरमेंट पोल्यूटेंट. तो उसी तरीके की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में बनाए पास हुए. इट सीक्स टू ले डाउन वाइड एंड ब्रॉड स्टैंडर्ड्स फॉर एयर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइस फॉर डिफरेंट एरियाज. तो बेसिकली इन रूल्स में वो सारे स्टैंडर्ड्स मेंशन हैं कि आप यू नो इन द एयर कितने कॉन्सेंट्रेशन में आप नॉइस जो है वो रिलीज कर सकते हो फॉर डिफरेंट एरियाज और इन डिफरेंट डिविजन्स. तो अलग अलग क्लासिफाइड वे में आपको ये चीज़ प्रिस्क्राइब लिमिट जो हैं वो या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ले डाउन किए गए हैं विद इन दीज रूल्स. दीज रूल्स आर टू बी रीड विद रूल 5 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स मेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. और जो भी इसके रूल्स हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल 5 में रूल्स है उसके साथ आप पढ़ेंगे और फिर उस चीज़ को अप्लायंस किया जाएगा एज पर द राइट अथॉरिटीज. सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप taken by central government for the prevention and control of the noise pollution. अब लास्ट बात करते हैं ये हो गई सारी legislations. अब judiciary की बात करते हैं किस तरीके ने judiciary ने अपना proactive role play करके बहुत सारे measures
अलग अलग अपने डिसीजंस में हेल्प किए हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है टूवर्ड्स द अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नॉइस पोल्यूशन. द रोल ऑफ जुडिशरी ऑन द नॉइस पोल्यूशन इज कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी. राइट, वील बी डिस्कसिंग हियर फाइव केसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पाँच केस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. पहला केस है धन्ना लाल वर्सेज चितेंद्र सिंह ए आई आर 1959. द डिसीजन ऑफ एम पी हाई कोर्ट इन दिस केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन द एरिया ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ये माना जाता है कि इस केस में जो एम पी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो एक लैंडमार्क जजमेंट था नॉइस पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में. इन दिस केस परपेचुअल इंजंक्शन वॉज Perpetual injunction was granted restraining the defendant from running a flour mill close to the house of plaintiff defendant. The allegation of plaintiff was that the working of the flour mill caused a great trouble to the occupants of the house of the plaintiff. Vibration and noise interfere with their physical comfort. इस केस में क्या था कि रिस्पॉन्डेंट और प्लेंटिव के आपस में घर थे, बिल्कुल बराबर बराबर में घर थे, और जो इसमें रिस्पॉन्डेंट था उसके घर में एक तरीके से कमर्शियल वर्क कर रहा था और अपने घर में वो आटा चक्की चला रहा था. ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, जो भी प्लेंटिव का घर था उसमें जितने लोग थे उन लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था अपनी डे टू डे लाइफ जीने में. फिजिकल कम्फर्ट दे वर फेसिंग, बहुत सारा जो वाइब्रेशन और नॉइस कॉज होता था उसकी मिल्स से. तो वहाँ पे उसने इसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए इन द कोर्ट कि इसकी फ्लोर मिल से बहुत ज़्यादा ट्रबल कॉज हो रहा है टू ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस ऑफ द प्लेंटिव. द एम पी हाई कोर्ट नोटिस दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ प्लेंटिव टू हियर द कॉन्वर्जेशन When the floor mill was at work, तो MP High Court ने जब इसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह बिठाई तो ये चीज़ निकल के आई कि हाँ, जितने भी प्लेंटिव के घर में लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इवन आपस में बातचीत करने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है जब जब फ्लोर मिल जो है वो चल रही होती है. अकॉर्डिंगली द कोर्ट हेल्ड एट द अबनॉर्मल नॉइज प्रोड्यूस बाय द फ्लोर मिल इम्पेयर्ड द फिजिकल कम्फर्ट एंड अमाउंटेड टू न्यूसेंस. तो इसमें कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये जो अबनॉर्मल नॉइज क्रिएट हो रही है बाय द रिस्पोंडेंट्स हाउस थ्रू दी फ्लोर मिल, इससे प्लेंटिव के घर के लोगों का फिजिकल कंफर्ट जो है वो हिंडर हो रहा है और ये एक न्यूसेंस कॉज कर रहा है. द कोर्ट रिजेक्टेड द डिफेंस दैट द म्यूनिसिपल कमिटी हैड गिवन अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फ्लोर मिल एंड द लाइसेंस हैज़ बीन रिन्यूड. अभी डिफेंस में ये बोला रिस्पॉन्डेंट ने कि हमारे पास तो म्यूनिसिपल कमिटी का लाइसेंस है कि हम यहाँ पर फ्लोर मिल आटा चक्की चला सकते हैं और अभी अभी हमारा लाइसेंस रिन्यू हुआ है. The court rejected the defense that the municipal committee had given a license for starting the flour mill and the license has been renewed. Court held that it was not an effectual defense because municipality is a creature of a statute and it has no power to confer the right upon anybody to commit the private nuisance. Court ne bola ये कोई भी इफेक्चुअल न्यूसेंस डिफेंस नहीं है कि म्यूनिसिपलिटी ने आपका लाइसेंस दे दिया, आपको ये राइट दे दिया है. वो खुद में एक स्टैट्यूट का मेड बॉडी है. राइट, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट पर्सन की को न्यूसेंस कॉज करे, किसी भी तरीके का प्राइवेट न्यूसेंस कमिट करे. देयरफॉर जो उनका डिफेंस था वो रिजेक्ट कर दिया गया एंड देयर इन द केस द एम पी हाई कोर्ट granted the perpetual injunction to restrain the defendant from running the flour mill close to the house of the plaintiff defendant. इसीलिए एक perpetual injunction, एक for a longer time एक injunction, एक रोक लगा दी respondent के ऊपर कि वो ये जो flour mill run कर रहे हैं इसको रोक दें, इसको restrain करें. So ये था हमारा पहला केस धन्ना लाल वर्सेज चितेंद्र सिंह का. दूसरा केस है राधेश्याम वर्सेज गुड प्रसाद ए आई आर 1978. So in this case, the Lucknow bench of Allahabad High Court not only followed the MP High Court's ruling in Dhanalal case, but also said that the law against noise is well settled as enunciated by MP High Court. It was observed by the court that if a man created a nuisance, he could not be allowed to say that he was acting reasonably. A person could claim injunction to stop the nuisance, even if in a noisy locality where there is a substantial addition in the existing noise by introducing of machines, instruments or performances in the premises in question which materially affects the physical comfort of the occupants. इस कोर्ट में, इस केस में पहली बात तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी तरीके से एमपी हाई कोर्ट का जो धनलाल वाला केस में जो जजमेंट था उसको फॉलो किया, उसको प्रेज किया. और इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की साउंड क्रिएट करके कोई भी तरीके का न्यूसेंस कॉज कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति जो इससे परेशान है
ठीक है, उसको अफेक्ट हो रहा है उसकी लाइफ में, तो वो इसके अगेंस्ट जो है क्लेम कर सकता है. ही कैन क्लेम इंजंक्शन कि इस तरीके का न्यूसेंस रोका जाए. भले ही वो नॉइसी लोक, वो खुद में एक नॉइसी लोकेलिटी है, मतलब मान लो भले ही वो एक ऐसी एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत समय से इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, फैक्ट्रीज वर्क कर रही हैं, पर अगर वो लोगों के फिजिकल कंफर्ट को असर दे रही है तो वहाँ पे भी, ऑल दो भले ही एग्जिस्टिंग नॉइस था, पर कहीं ना कहीं जो अब नॉइस और क्रिएट हो रहा है वो दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग, वो उस नॉइज में सब्सटैंशियल एडिशन क्रिएट कर रहा है ना. सो नो मैटर वो ऑलरेडी एक नॉइसी लोकेलिटी है या नहीं है, पर अगर किसी को किसी के डिस्कम्फर्ट कॉज हो रहा है लाइफ में तो ही कैन ब्रिंग द एक्शन एंड वो इंजंक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं टू स्टॉप सच अ न्यूसेंस. दिस वॉज हेल्ड इन राधेश्याम वर्सेज गुरुप्रसाद. नेक्स्ट केस है रामलाल वर्सेज मुस्तफाबाद ऑयल एंड कॉटन गिनिंग फैक्ट्री एआर 1968. इन दिस केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल दैट वंस अ नॉइस इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूसेंस ऑफ अ रिक्विजाइट डिग्री, इट इज़ ऑफ नो डिफेंस टू कंटेंड दैट इट वॉज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ लॉफुल बिजनेस और अराइज फ्रॉम अ लॉफुल अम्यूजमेंट और फ्रॉम अ प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्कशिप. हैंज द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम टू कैरी ऑन द बिजनेस और ट्रेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g) इज नॉट अवेलेबल इन सच अ सिचुएशन. इस केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि एक बार ये, मतलब अगर ये कंटेंट किया जा चुका है या हेल्ड हो चुका है कि एक इतनी रिक्विजाइट लेवल ऑफ डिग्री में अगर कोई भी तरीके का नॉइस रिलीज होता है दैट इज़ अ न्यूसेंस. ठीक है, फिर ये डिफेंस कोई कंटेंट करे तो वो वैलिड या फिर वो कंसिडरेबल नहीं होगा कि ये तो लॉफुल बिजनेस से रिलीज हो रहा है. जैसे कि धन्नालाल केस में रिस्पोंडेंट बोल रहा था कि हमें तो म्यूनिसिपल कमेटी ने लाइसेंस दिया हुआ है. नहीं, इस तरीके का कंटेंशन नहीं कंसिडर किया जाएगा कि हमारा लॉफुल बिजनेस है उससे नॉइस हो रहा है या हमने लॉफुल जो भी हम काम कर रहे हैं हमने उसका लीगल यू नो नोटिस लिया हुआ है, परमिशन लिया हुआ है, या हम जो काम कर रहे हैं वो यू नो रिलीजियस वर्शिप से रिलेटेड है. नो, इस तरीके के कंटेंशन जो हैं वो कंसिडरेबल नहीं होंगी इफ़ इट इज़ कॉजिंग न्यूसेंस. वो इतनी डिग्री का है दैट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग टू अ न्यूसेंस. और फिर यहाँ पे लोग बोले कि यहाँ पे हमारा यू नो फ्रीडम ऑफ टू कैरी आउट द बिजनेस और ट्रेड हिंडर हो रहा है और वॉयलेट हो रहा है, तो वो जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, वो कंटेंशन यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं होगा. दिस वॉज हेल्ड इन रामलाल वर्सेज मुस्तफाबाद गिनिंग फैक्ट्री. नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज जी चावला एआर 1959. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक हेल्थ इज़ अ वैलिड ग्राउंड टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, हाउएवर सच पावर ऑफ रेगुलेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाउड स्पीकर्स का यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि इसके यूज़ से पब्लिक हेल्थ अफेक्ट हो रही है. सो पब्लिक हेल्थ जो है वो एक वैलिड ग्राउंड है टू रेस्ट्रिक्ट और टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स. पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो रेगुलेशन, जो पावर्स की गई हैं, ये जो यू नो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये आर्बिट्ररी या अनरीजनेबल नेचर की नहीं होनी चाहिए. ये बिल्कुल रीजनेबली जो है ये डिसीजन दिया जाए बाय द अथॉरिटीज. क्लियर? तो पब्लिक हेल्थ जो एक वैलिड ग्राउंड माना जाता है टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स. लास्ट केस है हमारा इस लेक्चर का बुर्रा बाजार फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकटा 1998. सो इन दिस केस हाई कोर्ट हेल्ड दैट देर इज़ नो इनहेरेंट और अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन टू मैन्युफैक्चर सेल और डील विद द फायरवर्क्स विच वुड क्रिएट साउंड बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट्स एंड विल जनरेट द पोल्यूशन विच वुड इंडेंजर द हेल्थ एंड द पब्लिक गुड. इस केस में हाईकोर्ट ने बोला कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है या कोई इनहेरेंट राइट नहीं है किसी भी सिटीजन का कि वो ऐसे फायरवर्क्स और ऐसे यू नो क्रैकर्स को मैन्युफैक्चर करे, सेल करे या डील करे जो कि इतनी लिमिट की यू नो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट साउंड क्रिएट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के लिए इंडेंजर्ड है, हार्मफुल है. राइट? इट मे गिव प्लेजर टू वन और टू पर्सन्स हु बर्स्ट इट, बट अदर्स हैव टू बी अ कैप्टिव लिसनर whose fundamental right which is guaranteed under Article 19(1)(a) and other provisions of Constitution are taken away, suspended and made meaningless. मतलब हो सकता है एक या दो लोगों को जो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनको बड़ी खुशी होती हो fireworks, crackers यूज़ करके, पर अल्टीमेटली बाकी जितने भी लोग हैं who are listening to them, उनके कई सारे fundamental rights और you know violate होते हैं, उनकी health पे बात आ जाती है. तो that's why it is Nobody's right to protect, sell or manufacture such sort of things. और कोर्ट जो है उनके ऊपर injunctions या right restrictions impose कर सकती है. ठीक है, तो guys ये हो गया हमारा पूरा noise pollution. I think from tip to toe everything was absolutely important
and I've tried to cover everything which is actually important for all of you, right? Although the lecture has been quite long, but it is worth, and I'm sure you would be believing the same. ठीक है, आप लोग जल्दी से मुझे, अब लेक्चर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा. अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताना आपको कितना अच्छा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये लेक्चर, ठीक है ना. और इस लेक्चर के या किसी भी और लेक्चर के नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नोट्स पेड है, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली वर्थ है टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम दैट इज़ पुट इन मेकिंग देम, राइट. यू एब्सोल्युटली, आई गेस ऑल ऑफ यू माइट अग्री विद दिस. एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप लोगों के लिए इतना सारा यूजफुल कॉन्टेंट आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एवरी डे, राइट. और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. और कौन सा और सब्जेक्ट जो है आप चाहते हैं या कोई टॉपिक मैं लेके आऊँ ऐसे ही नोट्स के साथ और लेक्चर सीरीज के साथ. टिल देन एवरीवन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हूसोएवर इज हैविंग द एग्जाम्स टुडे, टुमारो और डे आफ्टर दैट. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय.